गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे होंगे सुबह के 10:30, और मैंने यहाँ पर ना क्या बोलते हैं मशीन लगा दी है अद्विक के कपड़े के। अद्विक को कुछ दिनों से फीवर था, तो आज उसको स्कूल नहीं भेजा है मैंने। उस पर नहीं बैठते। यहाँ पर कपड़े लगा दिए हैं, मशीन चल रही है, और ना मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ के लिए। तो फेस को इग्नोर करना गाइस, क्योंकि सिर्फ फेस वॉश किया है और बस मतलब मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या ढूंढ रही थी, ब्राउन ब्रेड मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अभी सैंडविच। तो चलिए पहले सैंडविच बना लेती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। गाइज, यहाँ पर सैंडविच बनाने के लिए मैं पहले टोस्ट कर लेती हूँ, मतलब ब्रेड को मैं ब्राउन ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ, इसके बाद उसके सैंडविच बनाती हूँ। तो और हाँ, किसी ने पूछा था मुझे कि जो ब्राउन ब्रेड है वो मैं कौन से कंपनी की यूज़ करती हूँ, तो मैं पालेकर्स के जो ब्राउन ब्रेड है वो यूज़ करती हूँ गाइज। और आई थिंक वो महाराष्ट्रियन ही थे, तो आपको मैं बता दूँ कि महाराष्ट्र में ना पालेकर जो ब्रांड है, बेकरीज़ में पालेकर की जो बेकरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और पालेकर्स के जो बेकरी आइटम है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं इनके प्रमोशन नहीं कर रही हूँ गाइज, बट इनके जो मुझे पर्सनली इनके जो प्रोडक्ट है, मतलब इनके जो भी बेकरी आइटम्स है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और एक्चुअली क्वालिटी के होते हैं, और महाराष्ट्र में तो सभी को पता ही होगा। तो किसी ने मुझे पूछा था, इसीलिए मैंने बता दिया। और हाँ, मुझे इसके बारे में भी कमेंट आई थी कि ये जो टोस्टर है वो कौन से ब्रांड का है। तो गाइज, ये टोस्टर मैंने ऑफलाइन लिया था और उन्होंने लिंक भी मांगा था, तो लिंक मुझे अगर मिल गया तो मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो टोस्टर है वो बजाज का टोस्टर है, वो ऑफलाइन मैंने लिया था, बट इसका लिंक अगर मिल जाए तो मैं आपके लिए इसमें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और इस तरह से ब्राउन ब्रेड जो है वो टोस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं स्प्राउट्स जो है वो सॉटे कर लिया था। तो और हाँ, ये भी मैंने चॉपर न्यू परचेस किया है, तो ये फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। अगर इसका भी लिंक चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं इसमें पहले तो मेरे पास चॉपर नहीं था, तो मैं ऐसे ही चॉप कर लेती थी, बट उसमें ना थोड़ा सा बारीक चॉप करने में प्रॉब्लम होता था। आपको पता ही है कि मेरे पास एक अंजलि का चॉपर है, उस पर मैं चॉप करती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा बारीक चॉप करने के लिए प्रॉब्लम होता था, तो इसी वजह से मैंने ये न्यू परचेस किया है। और इसमें ना टोमेटो और प्याज कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फाइन चॉप होती है, तो इसी वजह से इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है टोमेटो एंड प्याज को। और अभी उस पर सॉस लगा रही हूँ ब्राउन ब्रेड पे, और उसमें मैं स्प्राउट्स जो है सॉटे कर लिया था मैंने, तो वो मैं उस पर डाल दूँगी, मतलब इस तरह से मैं स्प्रेड कर दूँगी ब्राउन ब्रेड पे ये जो स्प्राउट्स है वो। और उसके बाद उस पर प्याज एंड टोमेटो का वो जो फाइन चॉप किया हुआ ये है, तो वो मैं उस पर डाल दूँगी। और उसके बाद जो बचा हुआ ब्रेड है वो उसके ऊपर मतलब टॉप पे लगा दूँगी, तो हो जाएगा हमारा सैंडविच रेडी। और ये जो सैंडविच है, मतलब एक्चुअली ना, मतलब इस तरह से भी बनाते हैं और सैंडविच मेकअप में भी आप बना सकते हो, तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। और हाँ, मुझे सैंडविच मेकर भी लेना है, तो वो भी मैं जल्दी ही ले लूँगी, तो उसके बाद आपको उस तरह से भी बनाना बता दूँगी। एक्चुअली अभी मेरे पास सैंडविच मेकर नहीं है, इसी वजह से। सैंडविच रेडी हो चुका है गाइज, और अभी मैं इसे फिनिश करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है मुझे, क्योंकि अभी ना अद्विक को खाने के लिए दिया था, अद्विक की खांसी अभी भी है। अद्विक को खाने के लिए दिया, उसके चक्कर में ना थोड़ा सा पहले ये स्प्राउट्स थोड़ा सा वो सॉटे कर लिया तब तक तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई, और फिर मशीन भी चला दी थी। आपको भी भूख लगी है? हाँ। अभी जो सैंडविच खाओगे? हाँ। ये देखो यहाँ पर हाय बोल दो पहले मुंह से। हाय हाय गाइस, पहले मैं फिनिश कर लेती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। और मशीन की आवाज आ रही है। टेस्टी है, बताओ। टेस्टी है। टेस्टी। आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, मतलब अच्छा मीन्स
हाँ, कि जिसको ठंडी पसंद है तो उनके लिए तो अच्छा ही होगा। और उसकी वजह से ना थोड़ा सा कपड़ों में प्रॉब्लम हो रहा है, कपड़े सूखने में। तो ड्रायर होने की वजह से, मतलब मशीन होने की वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ड्रायर में आधे तो कपड़े सूख ही जाते हैं, बट थोड़ा सा उसको धूप देना भी ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ना ये हो गया था, कपड़े धुल गए थे, तो इसी में जैसे मैंने ड्रायर में निकाल दिए थे, ड्राई कर लिए थे, और अभी मैं सुखाने के लिए उसे डाल दूँगी, ताकि धूप आने के बाद ना जल्दी सूख जाएंगे। थोड़ा सा जल्दी ही आजकल कपड़े धोने पड़ रहे हैं, नहीं तो पहले तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेती थी मैं इतना कपड़े धोने का जल्दी। तो कभी भी धूप रहती थी तो उस टाइम सूख जाते थे कपड़े। और जो आपको दो कटोरियाँ नीचे दिख रही है, तो अद्विक के बर्थडे के टाइम की है, मतलब वो पता नहीं वहाँ पर मैं रखती हूँ और चिड़िया वगैरह मतलब वो करती है, गिरा देती है उसे, तो वो है ना, दो कटोरियाँ रिटर्न करना ही हम लोग भूल गए थे, तो वो घर में यूज़ भी नहीं होती है, तो इसी वजह से चिड़ियों के लिए हम लोग पानी रख देते हैं उसमें, तो बट चिड़िया ना उसको गिरा देती है नीचे, तो इसी वजह से वहाँ पर पड़ी है। और यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए, थोड़ी देर में धूप आ जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे कपड़े मेरे। हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं एक और न्यू चीज़ लेने के लिए। आजकल ना हमारे घर पे मतलब कल से ज़्यादा ही चीज़ें आने लगी है। तो अभी मैं चाय ना मतलब चाय एक्चुअली बना के रखी थी, तो चाय मैं गर्म कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरी चाय गर्म हो रही है तो मैं चाय ले लेती हूँ पहले, और हम लोग जाते हैं। ये वहाँ पर पहुँच गए हैं, मतलब ये पहले से चले गए, बट मैं अभी पीछे से जा रही हूँ क्योंकि अद्विक सोया था, इसी वजह से अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर। और वहाँ पर जाके ही आपको पता चलेगा कि हम लोग कौन सी न्यू चीज़ लेने वाले हैं आज। और चलिए फिर, आज एक नई खुशी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और बस चाय पी लेती हूँ उसके बाद निकलती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यार बाहर। मतलब ना अभी घर पे इतना ज़्यादा नहीं लगता है, घर पे हम लोग रहते हैं तो घर पे ज़्यादा इतना लगता नहीं है कि ठंड बाहर है, और बट बाहर निकलती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो इसी वजह से मैंने जर्किन वगैरह हार गई थी, और उसी टाइम मुझे फीवर चढ़ गया था ठंड की वजह से, तो इसी वजह से मैं आज पहले ही जर्किन पहन लिया। और अभी बज रहे हैं 8, मैं 7 बजे से वेट कर रही हूँ इनके कॉल का, कि ये मुझे कॉल करेंगे और आने के लिए बोलेंगे, बट अद्विक भी सो रहा था तो इसी वजह से। और वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर जो हो रहा है, मतलब जो नई चीज़ ले रहे हैं हम लोग, उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो चलिए फिर वहाँ पर जाके ही पता चले क्या चीज़ लेने वाले है। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद फिर मिलती हूँ, शायद मैं आपके साथ वहां पर ही जाके बात कर पाऊंगी या वहां पर ही जाके आपको दिखा पाऊंगी कि क्या है और क्या चीज़ हम लोग लेने वाले हैं। सो गाइज, अद्विक उठ गया था यहाँ पर, और अद्विक को ये वाला स्वेटर पहना दिया था, और अद्विक ने चेन भी निकाल दी थी। तो यहाँ पर हम लोग शोरूम में पहुँच गए थे, और हम लोगों ने ली है गाइज गाड़ी, तो आप देख सकते हो ये वाली गाड़ी ली है, और वो आपको वही बताएंगे कौन सी गाड़ी ली है बाद में। तो उनके पास ना पहले शाइन थी, मतलब वो शाइन वो भी अच्छी थी, मतलब न्यू ही थी, उनको 2 ही साल हुए थे, बट उनका मेंटेनेंस अच्छा, मतलब वो ना बहुत ही अच्छे से रखती है अपने गाड़ी वगैरह, कुछ भी चीज़ अपने बहुत ही अच्छे से रखते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा वो ख़राब नहीं हुई थी, बट ना इनको ये वाली गाड़ी चाहिए थी, तो इसी वजह से इन्होंने वो एक्सचेंज में दे दी, वो शोरूम वालों को दे दी, और ये वाली गाड़ी उठा ली वहाँ से। तो हम लोगों ने ये वाली गाड़ी ली है, और वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब गाड़ी ली थी तो वहाँ पर ही हम लोगों ने उसे हार वार चढ़ा दिया था, और यहाँ पर मतलब ऐसे ही मिठाई वगैरह खिला रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, फिर घर पे चले गए थे। तो उसके बाद घर पे गाड़ी के अच्छे से पूजा करेंगे, उसके बाद फिर जो मतलब करना है गाड़ी के प्रोसीजर वगैरह वो करेंगे। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रुका दी थी, और हम लोगों ने ना इनसे पार्टी ली थी गाड़ी की, तो इसी वजह से यहाँ पर रुका दी थी गाड़ी। और यहाँ पर ना मुझे प्याज वगैरह ख़त्म हो गए थे घर पे मेरे, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर प्याज ले रही हूँ, क्योंकि मुझे प्याज और लहसुन की गाड़ी दिख गई थी, तो मैंने इनको बोला कि घर पे भी प्याज ख़त्म हो गया है, तो चलो मैं प्याज ले लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं प्याज ले रही हूँ। और उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे, तो ये घर पे गाड़ी का टीका वगैरह कर रहे हैं, और हम लोगों ने ना पूजा माही के हाथों से करवाई है, क्योंकि माही भी घर की लक्ष्मी है, तो इसी वजह से हम लोगों ने घर की लक्ष्मी के हाथों से ही पूजा करवाई है। तो हम लोगों ने सोचा चलो माही ही कर देगी आज पूजा, तो मैं ही तो हमेशा ही हमेशा करती रहती हूँ, तो आज माही करवाएगी पापा के गाड़ी की पूजा। तो अद्विक भी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, अद्विक यहाँ पर अद्विक के हाथों से हमने टायर धुलवाए, मतलब पूजा करने के लिए सबसे पहली प्रोसीजर यही होती है, गाड़ी की पूजा करने के लिए टायर पे पानी डालना पड़ता है, और इस तरह से हार तो मैंने पहले ही डाल दिया था,
गाड़ी को वहाँ पे, तो अद्विक यहाँ पर कर रहा है, फिर माही यहाँ पर टीका लगा रही है, मतलब जो सॉरी टीका बोल रही हूँ, जो स्वस्तिक होता है वो निकाल रही है गाड़ी पे, और उसके पापा उसको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, और वो वैसे वैसे निकाल रही है क्योंकि उसको नहीं आता है इतना, और अभी इतनी छोटी है कि उसको सारा सिखाना पड़ता है। मैं बार बार उसको सिखाती हूँ वैसे, बट बच्चे बच्चों को सिखाओ तभी तो बच्चे को आएगा, तो इसी वजह से यहाँ पर वो सिखा रहा है उसे कि कैसे कैसे करना है, और उसके बाद वो टीका वगैरह लगाएगी, और उसके बाद देखो अद्विक भी अपने हाथों से अपने मन से गिर रहा है वहाँ पे, और यहाँ पर टायर को वगैरह टीका लगाएगी, और उसके बाद गाड़ी की पूजा करेंगे, और उसके बाद और घर पे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग गाड़ी की खुशी। तो इस तरह से हमारे घर पे नई खुशी आई थी आज, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और फाइनली हमारे घर पे गाड़ी आ गई है, और इनका मन था कि काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी दिन मतलब 8 दिनों से ये चल रहा था इनका कि मुझे गाड़ी लेनी है, न्यू गाड़ी लेनी है, न्यू गाड़ी लेनी है, फाइनली आज उन्होंने डिसाइड कर ही लिया कि आज ही लेते हैं करके, और सारा प्रोसीजर भी आज हो गया, तो इसी वजह से आज ले ली हमने गाड़ी। और बस हम एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि गाड़ी आज आने वाली है, बट इन्होंने लास्ट मोमेंट पे मतलब दोपहर में मुझे बताया एक्चुअली कि गाड़ी आज शाम को मिलेगी, मतलब कल इन्होंने कुछ बोल दिया था शायद शोरूम वालों को कि मुझे कल चाहिए करके गाड़ी, तो इसी वजह से उन्होंने आज रेडी करके रखी थी, और इसीलिए हम लोग लेके आए थे, और यहाँ पर हमारी मस्ती भी चल रही थी, ये बोल रहे थे कि गाड़ी यहाँ पर हाथ मत लगाओ, वहाँ पर हाथ मत लगाओ, जोर से मैंने हाथ पटका था तो वो बोल रहे थे कि मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी ऐसे करके, वो मजाक कर रहे थे, इसी वजह से मैं भी मजाक कर रही थी उनके साथ। ऐसे हमारे थोड़ी सी मस्ती भी चल रही थी यहाँ पर, फिर पूजा चल रही, फिर हम लोगों ने एक दूसरे को स्वीट खिला के थोड़ा सा सेलिब्रेट भी किया, मतलब खुशी सेलिब्रेट की, तो बस यही हुआ और यही थी हमारी खुशी। और एक्चुअली ना इंडियन फैमिलीज़ में मतलब ऐसा होता है कि हम लोगों के घर में कुछ भी आता है, कुछ भी छोटी सी चीज़ भी आती है ना, तो हम लोग इस तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह से पूजा वगैरह करके मतलब सारी चीज़ें करते हैं, और खुशी हमारी इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों में भी हमारी खुशी बहुत ज़्यादा हमें लगती है, तो इसी तरह से हम लोग इंडियंस है। गाइस फाइनली हमारे घर पे एक न्यू मेंबर आ ही गया, और इन्होंने गाड़ी ले ली, और कौन सी है गाड़ी? अहो आप बताओ, अभी आप बहुत ज्यादा खुश हो ना गाय को? नहीं फिर भी तो चलो बताओ सबको, गाड़ी कौन सी ली है आपने? गाड़ी 150 है, यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? तो यूनिकॉर्न ली है इन्होंने, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, और मतलब मैं भी, क्योंकि मैं भी बैठने वाली हूँ कि अभी ना मैं दूसरी गाड़ी लेके गई थी, बट वो मेरी फ्रेंड लेके आई है उधर से माही के साथ, और मैं इनके गाड़ी पर आई थी कि पहली बार, मतलब मुझे बोल रहे थे कि चलो हम लोग लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, आज पहले दिन है गाड़ी का, तो वहाँ से शोरूम से लॉन्ग ड्राइव, शोरूम से यहाँ तक मुझे वो लेके आए हैं गाड़ी पे अपने, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि पहले दिन इन्होंने मुझे बोला कि चलो गाड़ी पे चलते हैं करके, तो चलिए थैंक यू उसके लिए। और गाड़ी की पूजा तो हो गई है, बट एक्चुअली आज पूजा हो गई है, कल हम लोग, और कल आप क्या कहाँ जाओगे पूजा करने के लिए? मंदिर? मंदिर में जाएंगे। हाँ मंदिर लेके जाएंगे ये कल पूजा करने के लिए, और फिर पंडित जी से वो गाड़ी की पूजा पाठ पूजा, हाँ करेंगे। गाड़ी की पूजा करेंगे, तो फाइनली हमारे पे एक मेंबर बढ़ गया है। गर्मी हो रही थी, और हाँ अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है ना, आप क्यों ऐसे मुंह बना रही हो? तो आपको भी अच्छा लग रहा है ना आज? और चलो फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ ना, मुझे तो खाना खाना नहीं है, इनके लिए अभी परोस देती हूँ, क्योंकि खाना बन चुका था मेरा, और इनके लिए परोस देती हूँ, और ना हम लोगों ने इनसे पार्टी ली है तो बाहर ही थोड़ा सा खा गया, वहां पर मैं शूट नहीं कर पाई, बट मतलब मुझे याद ही नहीं रहा है कि अद्विक अद्विक, तो कुछ जैसे हम लोग वहां पर खा के आए, बट इन्होंने नहीं खाया, कि ये बोल रहे थे कि मैं घर पे जाके खाना खाऊंगा, और ये हमेशा ऐसे करते हैं, तो इसी वजह से तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और माही मैडम सेल्फी निकाल रही है, तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ, और ये शैतान यहाँ पर शैतानी कर रहा है, तो
और उन दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, तो आप ज़रूर चेक करना जाते जाते। और हाँ, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। और चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो माही, बाय।